राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और शेर आदि का घात करती है। जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस श्री गुरु गीता का जप पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म वेत्ता सदगुरु ईश्वर का साकार स्वरूप, जिस किसी भी स्थान में परमात्मा का श्रवण कीर्तन गुणा अनुवाद होता है, वह स्थान पवित्र है। उस स्थान को तीर्थ तत्व प्राप्त होता है, वहाँ आने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। भगवत गुणा अनुवाद से जब स्थान की इतनी महत्ता हो जाती है, तो भगवत गुणा अनुवाद और कीर्तन करने वाला कितना पवित्र होगा, और जिसमें भगवत तत्व प्रकट हुआ हो वह कितना पवित्र होगा, कैसा मंगलकारी होगा। अतएव जिनसे हमें आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है, आत्म उन्नति होती है, आत्म शांति मिलती है, उनके पास अति नम्रता और भक्ति के साथ जाना चाहिए। संसार में ऐसे उत्कृष्ट पुरुषों की संख्या अति अल्प है, और है भी किन्हीं पवित्र जगहों पर, सर्वत्र नहीं। तथापि संसार ऐसे महापुरुषों से सर्वथा शून्य नहीं है। वे मानव जीवन के सुंदरतम सुरभि युक्त फूल हैं और अह युक्त असीम दया के सागर हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, मुझे ही आचार्य जानो। ऐसे सत्तत्व का बोध कराने वाले, अह हेतु कृपा बरसाने वाले आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में भगवान स्वयं ही अवनि पर अवतरित होते हैं। यह संसार ज्यों ही ऐसे करुणा सिंधु सद्गुरुओं से बिल्कुल रहित हो जाता है, तो ही यह एक भयंकर नरक कुंड बन जाता है और विनाश की ओर द्रुत गति से अग्रसर होता है। साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं, वे हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर का, ब्रह्म का साकार अवतार। वे केवल स्पर्श से, प्रसाद के आदान प्रदान से, कथन से, दृष्टिपात से, यहाँ तक कि संकल्प मात्र से घोर नास्तिक को भी आध्यात्मिकता का प्रदान कर सकते हैं। उनकी केवल इच्छा मात्र से पतित व्यक्ति भी तुरंत साधु हो जाता है। वे गुरु के भी गुरु हैं। वे मनुष्य की देह में विराजित मनुष्य के माध्यम से ईश्वर को सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं। उनके माध्यम के बिना, उनके करुणा कृपा कटाक्ष के बिना, कदम कदम पर उनकी सहायता के बिना, हम अन्य किसी कठोर से कठोर प्रयत्न या उपाय से भी परमात्मा को पा नहीं सकते। वास्तव में वे ही परमात्मा हैं। हम उनकी उपासना किए बिना रह नहीं सकते। ब्रह्मांड भर में वे ही एकमात्र ऐसे हैं जिनकी कल्याणकारी मोक्षप्रद उपासना किए बिना हम रह नहीं सकते। उनसे प्रेम करने के लिए हम परवश हो जाते हैं। वे अनंत प्रेम के भंडार हैं, सुख के दरिया हैं, आनंद के सागर हैं, करुणा उनकी जीविका है, प्रेम उनका श्वास है। मानव देह में परमात्मा की इस अभिव्यक्ति के माध्यम के बिना कोई भी मनुष्य परमात्मा दर्शन नहीं कर सकता। जब हम किसी अन्य साधन की सहायता के द्वारा परमात्मा दर्शन का यत्न करते हैं, तब हम अपने मन के भीतर परमात्मा का एक काल्पनिक रूप गढ़ लेते हैं और उसको ईश्वर के समकक्ष गिनकर उस मनगढ़ंत रूप की पूजा, उपासना और तादात्म्य में लग जाते हैं। इस भयानक अनर्थपूर्ण खतरे से बचने के लिए ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में की जा सकती है और मानवता में व्यक्त ईश्वर तत्व को सद्गुरु के रूप में ही सफलता से भजा जा सकता है। यह त्रिकालवादित सत्य है, कुदरत का यह कानून है। आज नहीं तो कल छुरे की नोक पर भी तुम्हें उसे स्वीकारना ही पड़ेगा। हम मनुष्य हैं, मनुष्य तत्व की अमान्यताओं में अपने को जकड़े हुए हैं। मनुष्य से उच्चतर स्वरूप में परमात्मा को समझने में, उसका तात्विक ज्ञान पाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब हम अपनी मानवीय प्रकृति से ऊपर उठकर गुणातीत अवस्था में पहुँचेंगे, तब परमात्मा को तत्व रूप में पहचान सकेंगे। तब तक हमें मनुष्य के रूप में ही परमात्मा की उपासना करनी होगी। ईश्वर के स्वरूप के बारे में कोई चाहे कितनी ही लंबी चौड़ी बातें करे, अपनी कल्पना और भावना को कितना ही विस्तृत करे, पर वह अपनी मानुषी कल्पना से आगे नहीं जा सकता। कोई चाहे ईश्वर और संसार पर लंबे चौड़े विद्वत्तापूर्ण वक्तृत्व दे डाले, बड़ा युक्तिवादी बनकर ईश्वर अवतार का खंडन करे, उपासना की अर्थहीनता सिद्ध करे, किंतु यह सब केवल शब्दों का ढेर, बुद्धि की व्यर्थ कसरत मात्र है।
किसी को अवतार और उपासना के विरुद्ध अपना डिमडिम बजाता देखो तो उसके पास जाकर खोजना कि परमात्मा के विषय में उसकी धारणा क्या है। निराकार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान आदि शब्दों के लक्ष्यहीन उपयोग के अलावा उसे न कोई ज्ञान है न अनुभूति। वास्तव में वह कुछ नहीं समझता। उन बड़े बड़े शब्दों के विषय में उसकी अपनी मानुषी प्रकृति से प्रभावित न हो ऐसा कोई अर्थ वह नहीं जानता। इस तथ्य में तो उसमें और रास्ते चलने वाले एक अनपढ़ गंवार में कुछ भेद नहीं। अगर कुछ भेद है तो केवल यही कि वह गंवार कम से कम शांत तो रह सकता है, संसार की शांति को भंग तो नहीं करता। समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शिक्षित व्यक्ति नए नए आविष्कार कर सकता है, सुख सुविधा भोग विलास की सामग्रियां इकट्ठी कर सकता है। अगर वह दीक्षित नहीं है, सद्गुरु की करुणापूर्ण दृष्टि से पूरित नहीं है, ईश्वर को निराकार ब्रह्म को साकार रूप में सद्गुरु में प्रतिष्ठित देख नहीं सकता तो वह शिक्षित व्यक्ति विश्व में सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। एक जगह पर बटन दबाने से ही करोड़ों का नरसंहार कर डालने की क्षमता का विकास इन्हीं शिक्षितों ने किया जो दीक्षित नहीं थे। आज वे ही लोग इन साधनों का, उपकरणों का आविष्कार करके पछताते हैं कि न जाने कौन इनका उपयोग कर बैठेगा। वो मानव जाति को भीषण दुख सहना पड़ेगा। परमात्मा तत्व में दृढ़ विश्वास और साकार सद्गुरु में अभिविचारिणी व्यक्ति की ही सुख शांति और दिव्यता का प्रकाश देती है। इस विषय में सहज निर्मल बुद्धि जितनी आवश्यक है उतनी और कोई योग्यता या बाह्य आडंबर आवश्यक नहीं। दो प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नरपशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा अपना कोई कर्तव्य न समझते हैं, न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। दूसरे हैं वे परमहंस जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत गुणों में, बढ़ते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरते हैं। वे ही ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में भज सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी मूढ़ नर पशु अज्ञानवश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता। इन दो चरम विरोधाभासी अवस्थाओं के बीच रहने वाला कोई मनुष्य आकर कहे कि भगवान को मनुष्य रूप में, गुरु के रूप में भजने को मैं तैयार नहीं हूँ, तो उस पर रहम करना। वह दया का पात्र है, वह होते उपवास करने वाला है, उसका धर्म अविकसित और खोखला है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। गुरु में भगवत बुद्धि, भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, परंतु गुरु में श्रद्धा होना बहुत कठिन है। लाखों मनुष्य में कोई एक ही होगा जो गुरु में कुछ भी दोष न देखेगा। जब तक गुरु में श्रद्धा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु में जब तक भगवत बुद्धि नहीं की जाती तब तक संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना ही पाप है। गुरु और भगवान में बिल्कुल भेद नहीं है, यही मानना कल्याणकारी है और इसी भाव से भगवान मिलते हैं। यदि मनुष्य को प्रेमी, निस्वार्थी, उदार प्रकृति, निराभिमान, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठित गुरु प्राप्त हों तो उनके ही चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर देना उसका मुख्य कर्तव्य है। गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त किया हुआ भक्त भी प्रारब्धवश श्रद्धाहीन, दुर्बुद्धि या अभिमानी होने पर उनकी कृपा से वंचित हो जाता है। उत्तम शिष्य चिंतन करने से गुरु की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मध्यम शिष्य दर्शन करने से और कनिष्ठ शिष्य प्रसन्न करने से शक्ति प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ गुरु से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। गुरु की सेवा करें और उनका चिंतन करें। जब गुरु में अनुराग है, गुरु हमारे हैं तो उनके गुण हमारे ही हैं। आजकल लोग गुरु सेवा तो करते नहीं फिर भी चाहते हैं कि हमें विद्या आ जाए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। गुरु सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। पहले के समय में लोग इतने पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु सेवा करते थे, इसी से उन्हें सब प्रकार की विद्याएँ प्राप्त हो जाती थीं। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु भक्तों के सामने कुछ नहीं है। उन्हें गुरु सेवा से जो चीज़ मिलती थी वह इन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता था। आजकल शिष्य को गुरु में दृढ़ ईश्वर भावना नहीं होती, इसी से उसे गुरु के सिवा किसी अन्य इष्ट की आवश्यकता होती है। यदि गुरु में शिष्य की सुदृढ़ ईश्वर भावना हो तो उसमें ईश्वर उपासना की भी आवश्यकता नहीं होगी। गुरु की सेवा से ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। निरक्षीर विवेक।
जगत की वाराक्षणी पढ़ाते हो, भूत प्रेत के मरण वशीकरण के मंत्र सिखाते हो, भविष्य में भगवान दिखाते हो, स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ाते हो। ऐसे गुरु बहुत होते हैं, उनमें से कितनों को तो भगवान शंकर ने श्री गुरु गीता में फटकारा है। ऐसे गुरुओं के वाकजाल में फंसने वाले साधक का उद्धार नहीं हो सकता। जिनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ हो, जो शिष्य के सर्व संशयों को छिन्न भिन्न कर उसे आत्म साक्षात्कार करा दें, ऐसे स्रोत और ब्रह्मनिष्ठ सच्चे सदगुरुओं की छत्र छाया प्राप्त करने वाले साधक ही इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। सदगुरुओं के नाम पर तथागत गुरु ने ही समाज को तथ्यों से वंचित रखा है। कोई कोई ही ऐसे बिरले होते हैं जो ऐसे तथाकथित गुरुओं द्वारा रचित मत पंथ जबाड़े में से अपनी जीवन नौका को बचाकर भ्रमविताओं के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।